नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCP Home Builders में। दोस्तों मेरा नाम सैम है, मैं आज आपको लेके आया हूँ 3 BHK के फ्लैट कंसेप्ट दिखाने के लिए। जो यहाँ का हाउस टूर आज मैं कराने जा रहा हूँ, ये 3 BHK लग्जरियस मिलने वाला है आपको। तो हर चीज़ आप देखोगे, जो डेकोरेटिव आइटम से लेके फॉल सीलिंग, हर चीज़ हमने वॉलपेपर या जो भी आप चीज़ यहाँ पे देखोगे, काफ़ी यूनिक और काफ़ी लग्जरी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको बताना चाहूँगा, ये 135 गज में बना हुआ है, यानी कि जो कवर्ड है 1210 स्क्वायर फिट में ये टोटल बना हुआ है। तो जिसमें हमारा जैसे मेन एंट्रेंस है वो यहाँ से आपको मिलने वाली है, इससे बाहर आपको वाटर टैंक एंड अदर जैसे वाटर सप्लाई के लिए जो मोटर वगैरह आपने लगानी है तो वो भी आपको बाहर मिलेगी। तो ये आपके मेन एंट्रेंस रहेगी यहाँ से अंदर आने के लिए। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा जो डोर है आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एंट्रेंस करते ही आपको जो मेरे लेफ़्ट साइड को किचन एरिया है और ये आपका जो लिविंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया है वो मिलता है। तो सबसे पहले आप अपने अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे ये घर आपको दिख रहा है वैसा का वैसा आपको चाहिए। तो उसका प्राइस भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा। अगर आपने सेमी फर्निश्ड लेना है तो उसका प्राइस है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके लिविंग एरिया में, जो आप यहाँ पे जो सोफ़ा है अपने अकॉर्डिंग है वो लगा सकते हैं। आपने 5 सीटर लगाना है, 6 सीटर लगाना है, 8 सीटर लगाना है, विद टेबल लगाना है, तो वो सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग डेकोरेटिव कर सकते हैं। फ्रंट में आपने जैसे जो पॉट्स हैं वो लगाने चाहते हैं तो वैसे आप लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और एज इट इज़ चाहिए तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2 ऑप्शन है आपको, एज इट इज़ लेना है तब भी और सेमी फर्निश लेना है तब भी। तो इस साइड भी आप अपने जो इलेक्ट्रिक का प्रोविज़न दिया हुआ है यहाँ पर आप डेकोरेटिव आइटम्स है अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हमने इस साइड को जैसे आपने चेक किया है तो यहाँ पे हमने मिरर का जो वर्क है वो किया हुआ है। आप अपनी अकॉर्डिंग जो यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम्स हैं, पेंटिंग्स हैं, वो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो इस साइड भी आप लैंप्स का जो कनेक्शन है यहाँ पे दिए हुए हैं। हर फ्लैट में सेम चीज़ें आपको मिलेंगी। ऊपर अगर आप देखोगे जो फॉल सीलिंग का जो वर्क है विद कंसील लाइट्स आपको मिलेगा। सेंटर में आपको झूमर का प्रोविज़न मिलेगा, इसमें हैंगिंग झूमर लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो, सिंपल झूमर लगाना है वो भी लगा सकते हो, एज़ पर योर चॉइस। तो अभी इसमें जो कलरफुल लाइट्स लगी है वो आपका येलो कलर की लगी है, आपने अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर की जो लाइट है यहाँ पे लगा सकते हो ताकि आपके घर को एक अच्छी ग्रेस है वो आए। तो इस साइड को अगर आप देखोगे तो ये आपका आता है डाइनिंग एरिया। तो यहाँ पे आप 6 सीटर अभी जो चेयर्स हैं वो देख रहे होंगे, तो 6 सीटर डाइनिंग टेबल है वो लगा हुआ है। तो उसके बाद भी अगर आप स्पेस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। एक चीज़ आपको हर रूम की लिविंग एरिया किचन की हर चीज़ की जो डायमेंशंस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप वहां से रीड करके जो आइडिया लगा सके कि डायमेंशंस आपकी क्या क्या मिलने वाली हैं। तो इसके बाद चलते हैं अपने जो मॉड्यूलर किचन की तरफ। तो हमारा जो मॉड्यूलर किचन है वो काफ़ी अच्छा आपको दिख रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो। आप भी अपने अकॉर्डिंग जो कलरफुल लाइट्स है वो लगा सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग। तो आप स्लैब देख सकते हो, काफ़ी अच्छी स्लैब आपको ग्रेनाइट ग्रे की यहाँ पे मिल रही है, काफ़ी शाइन भी कर रहा है। जो लाइटिंग का वर्क है हर जगह पे वो एज इट इज़ आप देख सकते हो, कितना अच्छा लग रहा है जो लाइट्स यहाँ पे हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो कलर्स हैं वो आप चूज कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही एज इट इज़ चाहिए तो वो भी आपको ऑप्शंस है। ये काफ़ी आपको अच्छे जो कवर्स है, स्पेस भी काफ़ी अच्छी मिल रही है इसको, इजी जो मॉड्यूलर किचन में काफ़ी ग्रेस आपको प्रोवाइड करता है, काफ़ी इजीली आपके ये ओपन एंड क्लोज है वो हो जाते हैं, तो आपको ज़्यादा जो मेहनत है वो नहीं करनी पड़ती है। तो सॉफ्ट क्लोजर है और इसी के साथ आपका जो फ्लोर कंटेनर्स हो गए या बर्तन वगैरह रखने हैं तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। कटलरी सेट की बात करें तो यहाँ पे आपको कटलरी सेट भी मिलेगा। एंड नीचे की बात करूँ तो काफ़ी स्पेसियस अदर जो
आपके बर्तन होते हैं वो आप रख सकते हैं, फ्लोर कंटेनर हो गया, राइस कंटेनर हो गया, डस्टबिन एरिया हो गया, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसी के साथ ऊपर यहाँ पे भी आपको स्लॉट मिल रहा है प्लेट सेट के लिए। तो अगर आप पास से देखेंगे तो यहाँ पे आप अपनी जो प्लेट्स वगैरह है वो रख सकते हो। और यहाँ पे अगर जैसे आपने वॉश करी अभी अभी, तो जो पानी वगैरह है वो नीचे आपका ड्रॉप होता है, तो वो आप प्लेट है यहाँ से इसे रिमूव करके आप जो आपके सिंक है उसमें थ्रो कर सकते हैं। डबल सिंक आपको यहाँ पे मिल रही है, आप दे सकते हो। तो यहाँ पे टैप का जो प्रोविजन है वो आपको अभी लगे नहीं है, वो जैसे लग जाएंगे तो उसके बाद एक और वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक साइड आप अपने जो बर्तन है वो धो सकते हैं, दूसरी साइड आप जो बर्तन है वो सुखा सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी आपने डेकोरेट करना है वैसे आप डेकोरेट कर सकते हो, हर चीज़ आपने वेंटिलेशन भी आप दे सकते हो, साउंड प्रूफ आपकी जो सिंक है वो भी मिलेगी एंड साउंड प्रूफ ही आपका जो ग्लास है ये मिलेगा, यानी कि जो आवाज़ वगैरह बाहर से वो यहाँ पे आपको अंदर नहीं सुनाई देगी। तो आपके जो प्रोविजन है हर चीज़ के किया हुआ है, जैसे गीजर का हो गया, आरओ का हो गया है, तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी की हुई है। एंड इसके बाद आता है आपको ये जो एरिया है ये आपको मूवेबल मिलेगा, तो यहाँ पे भी आप अपना जो सामान है वो रख सकते हैं। नीचे अगर आप देखोगे तो माइक्रोवेव ओवन के लिए जो स्पेस है दी हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग माइक्रोवेव ओवन है वो लगा सकते हैं। एंड नीचे और बर्तन वगैरह आपने रखने हैं तो वो आप रख सकते हैं। एंड यहाँ पे ये मूवेबल है जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो आप इसे मूव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फ्रिज वगैरह यहाँ पे लगाना चाहते हो, सिंगल डोर लगाना है, डबल डोर लगाना है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। ऊपर की बात करूँ तो डाउन सीलिंग यहाँ पे जो फॉल सीलिंग है वो एज इट इज आपको मिलेगी, इसमें भी आप कलरफुल लाइट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग है वो लगवा सकते हैं। तो बात करते हैं इस एरिया की, ये है आपका ब्रेकफास्ट टेबल जिसमें टू चेयर्स है, इजीली वो लग जाती हैं। तो ये भी आपको काफ़ी यूनिक जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस साइड भी अगर आप देखोगे तो प्रॉपर लाइटिंग है वो की हुई है ताकि आपके घर को एक प्रीमियम लुक मिले, ऐसी फील आए कि आप किसी लग्जरी घर में हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि ये मैक्सिमम जो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं वो होटल्स में मिलती है, लेकिन हमने ये आपके घर में ही प्रोवाइड की हुई हैं। तो इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट रूम है, इस साइड को आप मिरर दे सकते हो, वुडन का जो वर्क है वो दे सकते हो। यहाँ पे आपको वॉलपेपर मिलेगा, या आप अपने इस एजिडी लेना है तो वो भी आप करवा सकते हो। तो इसी के साथ फर्स्ट रूम दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे जो ये वाला रूम है ये आप रेंटल पर्पज़ से भी दे सकते हो, अगर आपने ये रेंट आउट करना है। वो कैसे, आप इस डोर को अपना जैसे 2 BHK में आप खुद रह सकते हो, इस डोर को परमानेंट बंद कर सकते हो क्योंकि इसमें वॉशरूम है अटैच दिया हुआ है, और इसके लिए जो ओपन डोर है वो यहाँ से है, ये स्लाइडिंग डोर आपको मिलेगा। तो अगर आपने रेंट आउट करना है तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज अपनी फैमिली आपकी बड़ी है तो ये 3 BHK खुद के लिए भी सारा के सारा रख सकते हो। तो इसी के साथ बेड का आप देख सकते हो, बेड के बाद जो स्पेस है काफ़ी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आप अपना जो लैपटॉप वगैरह रखना है तो वो रख सकते हैं, नीचे भी स्लॉट्स हैं वो दिए हुए हैं, प्रॉपर आपको 2 स्लॉट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसी के साथ अगर स्विचेस के लिए प्रोविज़न भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो 2 डबल साइडेड हैं, वहाँ पे भी स्विच आपको मिलेगा, इस साइड को भी स्विच मिलेगा। मोबाइल वगैरह आपने जो चार्ज करना है तो बेड पे ही आप वो बैठ के कर सकते हैं। वाटर बॉटल जो जग वगैरह है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ग्रेस देने के लिए आप देख सकते हो जो लैम्प्स का कम्बिनेशन दिया हुआ है, एंड यहाँ पे वॉश कम्बिनेशन हमने प्रोवाइड किया हुआ है। ऊपर आपको जो फॉल सीलिंग है ऐसी मिलेगी हर फ्लैट के अंदर। तो इसमें जैसे कि कलरफुल लाइट लगानी है वो अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। तो बात आती है आपके कवर्स की, काफ़ी अच्छा जो कवर्स है आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, स्पेस भी इसमें काफ़ी मिलने वाली है, देख सकते हो। लाइटिंग इसमें भी आपको मिलने वाली है, जो कि अभी तक मैंने फर्स्ट टाइम ये जो कंसेप्ट है वो देखा है जो कवर्स के अंदर। तो काफ़ी अच्छा मतलब प्रीमियम चीज़ें ही आपको इस घर में मिलेगी। इस साइड को मैंने ऑलरेडी जैसे बताया था, तो कर्टेंस वगैरह, और जो आपका LCD पैनल है
वो इस सेट को मिलेगा। देख सकते हो काफ़ी वाइड आपको एलसीडी पैनल का जो एरिया है वो मिलेगा। नीचे आपको प्रॉपर स्लॉटिंग है वो करके दी हुई है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए सामान रखने में। यहाँ पे काफ़ी बड़ी जो एलसीडी है आपकी लग सकती है। तो चलते हैं अटैच वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम की बात करूँ ये भी काफ़ी स्पेसिस आपको मिलने वाला है, प्राइम लुक के साथ मिलने वाला है। देख सकते हो काफ़ी अच्छी जो लुक है आपको यहाँ पे मिलेगी। नीचे प्रॉपर टाइल का वर्क है, फुल हाइट टाइल वॉल टू वॉल टाइल्स का वर्क आपको मिलेगा, आपको हर चीज़ का प्रोविजन। एक चीज़ यहाँ पे जो बाथ फिटिंग हुई है वो जैगवार ब्रांड की हुई है। तो जैगवार ब्रांड के बाथ फिटिंग का जैसे कि आपको पता है ऑन साइड इसकी जो वारंटी है आपको मिलती है। तो आप अगर पास से देखोगे जैसे ये देखो ये जैगवार की जो ब्रांड है नेम है वो टैग यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे शावर का जो प्रोविज़न हो गया, गीजर का प्रोविज़न हो गया, टैप्स के प्रोविज़न प्रॉपर मिलेंगे। आप वॉश बेसिन देख सकते हो काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा है। एंड हैंगिंग सीट आपको मिलेगी ताकि आपको यहाँ पे सफाई करनी हो तो कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे भी आप अपना जो सामान वगैरह रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हो। इलेक्ट्रिक का प्रोविज़न यहाँ पे आपको प्रॉपर मिलेगा। तो चलते हैं हम अपने जो बाकी के दो रूम बचे हैं उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक स्टोर भी मिल रहा है, तो स्टोर भी काफ़ी स्पेसेस आपको मिलेगा जिसमें एंट्रेंस आपको कुछ इस तरह की मिलेगी। तो देख सकते हो वुडन का जो वर्क है वो यहाँ पे मिल रहा है। तो अंदर आते ही आप देख सकते हो काफ़ी स्पेस यहाँ पे आपको मिलेगी। स्टोर आप इसे बना सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो सामान है यहाँ पे रख सकते हो। तो चलते हैं अपने सेकंड रूम की तरफ। सेकंड रूम भी आपको काफ़ी स्पेसियस है वो यहाँ पे मिल रहा है। तो बेल लगाने के बाद जो बैक साइड का जो व्यू है आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, वो लग रहा है। लैंप्स लगने के बाद कंसील्स लाइट्स इसमें ऑलरेडी लगी हुई है, कलरफुल लाइट्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग है वो लगवा सकते हैं। तो बात करते हैं अपने कवर्स की। यहाँ पे आपको जो मिलेंगे कवर्स वो स्लाइडिंग वाले मिलेंगे, तो काफ़ी स्पेस है आपको दोनों साइड के लिए। ये हमारे फर्स्ट साइड के लिए है, उसके बाद हमारा जो सेकंड है वो इस साइड को है, तो इसमें भी आपको काफ़ी स्पेस है वो यहाँ पे मिल रही है। नीचे आपको दो स्लॉट एक्स्ट्रा दिए हुए हैं ताकि आपने शूज हैं अपने बाहर ना रख के इस रैक जो दो रैक दिए हुए हैं यहाँ पे आप रख सकते हो। दोनों साइड आपको जो टेबल है वो यहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे वाटर बॉटल वगैरह ये चीज़ें रखने के लिए, लैपटॉप रखने के लिए, मोबाइल चार्ज करना है तो वो रखने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आए तो उसके लिए टेबल है। दो उसमें भी स्लॉट्स दिए हुए हैं। तो इसके सामने की बात करूँ तो एलसीडी का जो प्रोविज़न है यहाँ दिया हुआ है, आप एलसीडी यहाँ पे लगवा सकते हो। जो टेबल है विद मिरर ड्रेसिंग टेबल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो स्लॉटिंग भी आप नीचे दे सकते हो। इलेक्ट्रिक के जो प्रोविज़न है हर चीज़ के लिए प्रॉपर किए हुए हैं। चलते हैं अटैच वॉशरूम की तरफ। ये भी काफ़ी स्पेस मिलेगा, इसमें भी सेम जैगवार ब्रांड की ही बाथ फिटिंग आपको मिलेगी। वेंटिलेशन आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी वेंटिलेशन यहाँ पे आपको मिल रही है। तो यहाँ पे जैसे एग्जॉस्ट फैन लगाना है तो आप लगवा सकते हो वेंटिलेशन यहाँ से, ओपन नेट वाली जो मिलेगी। एंड ये ग्लास आपकी वेंटिलेशन है वो मिल रही है। तो यहाँ पे कंसेप्ट चेंज है वो किया हुआ है वॉश बेसिन के लिए, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे नीचे स्लॉटिंग्स की हुई है, तो गीजर का जो प्रोविज़न है, शावर का प्रोविज़न, टैप्स हर चीज़ यहाँ पे मिली हुई है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम आप रख सकते हैं। इसमें वार्म लाइट भी दी हुई है, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें लगवा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको हैंगिंग सीट है वो मिलेगी। तो इस रूम की जो वेंटिलेशन है काफ़ी बड़ी वेंटिलेशन है, आपको ग्लास वेंटिलेशन यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर आपके जैसे स्प्लिट एसी के जो प्रोविजन्स हैं वो ऑलरेडी किए हुए हैं। एंड चलते हैं अपने सेकंड रूम की तरफ, देखते हैं क्या कुछ चेंजेस हैं उस रूम में। जो सेकंड रूम है इसमें आपको जो अटैच वॉशिंग एरिया भी मिलेगा, बाकी जो कंसेप्ट है वो सेम ही है। साइज़ जो हमारे दो रूम्स हैं वो दोनों सेम है, एक थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पे भी आप बेड के बाद जो ग्रेस है वो देख सकते हो, बेड के बैक साइड को काफ़ी अच्छी ग्रेस मिल रही है। मिरर वर्क काफ़ी अच्छा किया हुआ है, हैंगिंग जो आपके लैंप्स हैं एंड कंसील लाइट्स इसमें भी लगी हुई है, कलरफुल लाइट आपके अकॉर्डिंग है वो कर सकते हो। इसमें अटैच जो वॉशरूम है
ये है, ये भी आपको एज इट इज़ जैसा कि लास्ट वाला था वैसा आपको मिलेगा। इस साइड को आप देख सकते हो, आपके जो कवर्स हैं वो कुछ इस तरह के मिलेंगे, जिसमें काफ़ी अच्छी जो स्लॉटिंग्स है वो की हुई है। ऊपर भी आप जो सामान है वो रख सकते हो। यहाँ पे आपने अपने अकॉर्डिंग जो कंसेप्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने डेकोरेटिव आइटम्स रखनी है तो वो रख सकते हो। इसमें भी प्रॉपर जो लाइटिंग है वो की हुई है, ताकि हर जगह पे आपको काफ़ी अच्छी जो प्रीमियम ग्रेस है वो मिले। तो इसके सामने जो बेड के सामने आपको एलसीडी पैनल मिलेगा, कुछ इस तरह का मिलेगा, देख सकते हो काफ़ी अच्छा जो एलसीडी पैनल है वो आपको दिख रहा है। यहाँ पे भी प्रॉपर स्लॉटिंग्स है वो की हुई हैं। चलते हैं अपने वॉशिंग एरिया की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो धूप है काफ़ी अच्छी है, यानी कि वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं आपको आने वाली है। तो यहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह हैं वो सुखा सकते हो। ये वॉशिंग मशीन लगाने के लिए जो प्रोविज़न है वो दिया हुआ है, टैप का जो प्रोविज़न है वो दिया हुआ है। अभी यहाँ पे जो ग्रीन एरिया है फ़िलहाल के लिए हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो ये बना सकते। तो एक बार आप जो इस रूम का अटैच वॉशरूम है वो भी थोड़ा पास से देख लीजिए, सेम ही कंसेप्ट है इसमें भी। तो यहाँ पे भी आपको कलरफुल लाइट्स है वो मिलेंगी। तो मैं थोड़ा लाइट बंद कर देता हूँ। यहाँ पे भी आपको कंसील लाइट है वो कलरफुल आपको दी हुई है, ताकि आपको यहाँ पे भी अच्छी जो ग्रेस है वो आए। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज है टाइल्स का। तो हर जगह हमने कोशिश करी है कि प्रीमियम लुक की ही चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आए, जैसे ऐसा लगे जैसे हम किसी होटल में आए हुए हैं। तो जैसे आपके कोई गेस्ट होते हैं या फैमिली मेम्बर रिलेटिव्स आते हैं, तो उनको भी लगता है कि हम किसी एक प्राइम सोसाइटी के अंदर, पर प्राइम जो घर है उसके अंदर आए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। एज इट इज़ आपने लेनी है तो वो भी मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, अगर सेमी फर्निश लेनी है तो वो भी। अब आती है लोकेशन की बात। ये आपका खरड़ जो बस स्टैंड है उसके 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिलेगी, एंड नियर बाई जैसे कि आपको पता है जो वीआर पंजाब है वो भी काफ़ी नज़दीक आपको मिलता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, आपका रायत बारा यूनिवर्सिटी होगी, ये आपके काफ़ी पास मिलने वाले हैं। हमारी जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है मेरे जस्ट बैक साइड से लुधियाना रोड पे पड़ती है, और राइट साइड को हमारा कुराली रोड पे अपनी रायत बारा यूनिवर्सिटी है वो मिलती है। तो इसी के साथ अगर कुछ और आपको जानकारी चाहिए होगी कमेंट में बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर कॉल करके आप और क्वेरीज, लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन, नियर बाई क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, तो ये सारी क्वेरीज आप फ़ोन करके कर सकते हो। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।